वर्षा की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूं, मनुष्य की संवेदनाएं क्षणिक होती हैं, घनिष्ठ मित्रता में भी वैमनस्य बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है। दो प्रेमी जो एक दूसरे हेतु प्राण त्याग देने की बातें करते हैं, वे एक दूसरे के बिना किसी और माध्यम से सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि ऐसा ना होता तो जयंती के साथ आचार्य शुक्र के जीवन का भी अंत हो चुका होता, और आज इंद्र आचार्य शुक्र से अपनी शत्रुता भूलकर उन्हें अपने जमाता का प्रेम देने लगते। किंतु संवेदनाएं तो होती ही क्षणिक हैं, अतीत में दिए गए वचन या ली गई सौगंध से उनका कैसा संबंध। नश्वर जीवन की क्षणभंगुर संवेदनाओं का ही प्रभाव है कि एक ओर जहां देवराज इंद्र दैत्यों और शुक्राचार्य को नष्ट करने की युक्ति सोच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराज वृषपर्वा अपनी विजय को शाश्वत करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। देवराज, दुखद स्मृतियों को बिसराना ही बेहतर है। मैं आपके लिए सोमरस लाती हूं। हमारी पराजय का कारण मैं नहीं, गुरुवर बृहस्पति है। वो इसी सोमरस और यौवन सुख में लिप्त रहते हैं। अपने ही अग्रजोतथ्य की पत्नी ममता के यौवन में उलझे हुए उनके चक्षु अब ध्यान में मगन नहीं होते। पुरोहित का धर्म भूलकर वो काम माया में विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे हैं हमारे पुरोहित, और उधर दैत्यों के पुरोहित आचार्य पाद तपस्या के भंडार हमारे जमाता शुक्राचार्य। जो अपनी संजीवनी विद्या से हर मरे हुए दैत्य को पुनः जीवित कर देते हैं। पर शुक्राचार्य को तो आपने अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण की भी स्वीकृति नहीं दी। वो आपको प्रिय नहीं थे, अब आप उनके गुणगान कर रहे हैं। जमाता के रूप में वो हमें प्रिय नहीं थे, परंतु पुरोहित के रूप में वो हमारे बृहस्पति से श्रेष्ठ हैं, बहुत ऊंचे हैं। पूरे युद्ध में देवों के विजय होने का श्रेय ब्रह्मतुल्य आचार्य शुक्र को ही जाता है। हे सहस्त्राक्ष देवराज, इस समय आपको शत्रुओं का गुणगान करना शोभा नहीं देता। आप अपने महामाया का विस्तार करें। नयन में भरे हुए पराजय के नश्रुओं को पहचाने दो। एक बार ये रिक्त हो जाएंगे तो उनमें उबलते हुए रक्त के अंकारे भरूंगा। कलंक दूंगा उस शुक्राचार्य को। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप लोग शूरवीर हो और शूरवीर रण में विजय प्राप्त करते ही, किंतु अपनी विजय पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें विलासिता से दूर रहना चाहिए। हम दैत्यों का अपना एक भव्य वैभवपूर्ण और महान काल रहा है। हम हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और विरोचन के वंशज हैं। हमें अपनी धरोहर को वही मान देना है जो कभी था
हम सर्वश्रेष्ठ बने, महान बने, हम बड़े बने, हम ऐसे बने कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, यहाँ तक कि देवता भी स्वप्न देखें दैत्य बनने का। हम शरीर से तो अमर हैं, हम कृत्य, आत्मा और विचार से भी अमर बने, तभी आने वाली पीढ़ियां हमें पूजेंगी। हे पूज्य गुरुदेव, हम आपकी बातों के एक एक शब्द का ध्यान रखें और उन्हें आपका आदेश समझकर उनका पालन भी करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। आपका कल्याण हो महाराज। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मैं मूल तथ्य तो भूल ही गया। वो क्या महाराज? महान हिरण्यकश्यपु के सम्मान में जो शौर्य पुरस्कार परम ज्ञानी और श्री विष्णु भक्त महाराज प्रहलाद ने शुरू किए थे, कल उनका वार्षिक वितरण समारोह है और मेरी मंत्री परिषद की इच्छा है कि इस बार यह कार्य आपके हाथों संपन्न। अरे गुरुदेव, आपको सम्मान समारोह में आना ही होगा। नहीं महाराज, मुझे सम्मान समारोह से दूरी रखिए। ये मेरी और सभी दैत्यों की विनती है, इस बार गुरुदेव को विशेष सम्मान दिया जाए। इस बार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। ये हमारे असुरों की वीरता, बहादुरी और बलिदान के कारण संभव हुआ है महाराज। गुरुदेव, आपकी बात पूर्णतः सत्य है, परंतु इस भीषण युद्ध में असुरों का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। उनके प्राणों को जीवन दान आपकी संजीवनी ने दिया। मेरा संजीवनी प्राप्त करना सार्थक हो गया, इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए और इस ब्रह्मांड के नायक को इस तरह करबद्ध प्रार्थना करना शोभा नहीं देता महाराज। ठीक है, मैं महाराज की विनती और प्रजा की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मेरा जीवन असुर सेवा के प्रति समर्पित है महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। अरे महाराज, अकेले ही जाएंगे? राजकुमारी शर्मिष्ठा को साथ लेकर नहीं जाएंगे? मेरी शर्मिष्ठा मेरी कहाँ रही गुरुदेव? आपकी पुत्री ने ऐसी मोहनी डाल दी है कि बस दिन रात देवयानी के नाम की ही माला जपती रहती है, बस उसी के ही गुणगान करती रहती है। यही तो देव की भी दशा है, वो भी शर्मिष्ठा को अपना परिवार, मित्र, शत्रु सब समझती है। ईश्वर इन दोनों बालिकाओं के प्रेम की धारा यूं ही बहाता रहे। गुरुदेव, मुझे तो लगता है इन दोनों का विवाह एक ही राजकुमार के साथ करना होगा, अन्यथा ये दोनों अपने अपने परिवार के साथ रह नहीं पाएंगी। दोनों के परिवेश अलग अलग है महाराज। राजकुमारी शर्मिष्ठा के लिए कोई राजपुत्र चाहिए और मेरी देव के लिए कोई ऋषि कुमार। आपका कथन सत्य है गुरुदेव। पिताश्री। हाँ पुत्री, बोलो। जैसे देव अपने पिताश्री से व्यवहार करती है, वैसा व्यवहार हम आपके साथ क्यों नहीं कर पाते? अथवा अरे राजकन्या शर्मिष्ठा, देव मेरी पुत्री नहीं है। अर्थात ये मेरी पुत्री नहीं, नानी है नानी। कभी ये मुझे अपना गुरु, कभी अपना सखा और कभी कभी तो अपना शत्रु भी समझती है। क्यों ऋषि कन्या देव? अरे महाराज, आप इनकी बातों पे ना जाए। और पिताश्री, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना? मेरी सखी शर्मिष्ठा को जाने दीजिए, तब मैं आपसे पूछती हूँ। अरे मेरे पिता कवि, कहीं आप तो नहीं आ गए मेरी देव में? अच्छा गुरुदेव, अब मुझे और शर्मिष्ठा को आज्ञा दीजिए। आयुष्मती भव। शम्मो, पत्र लेखा को मेरा प्रेम देना और अपनी माताश्री को मेरा प्रणाम। आप भी पत्र लिखकर गुरुदेव के पास भेजना। देखा महाराज, अब मुझे आपके राज्य की सेवा छोड़कर इनका पत्रवाहक बनना पड़ेगा। पिताश्री, देव ने मुझे बहुत सारे कार्य सिखा दिए हैं। आप महल चलिए, मैं आपको सब बता देती हूँ। गुरुदेव, अब तो जाना ही होगा, आज्ञा दीजिए। ठीक है महाराज। पुत्री शर्मिष्ठा, तुम भी शीघ्र अपने महल पहुंचो। य
ये प्रेम में क्यों होता है। महारानी जी एक प्रश्न पूछूं? आप रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी? प्रश्न से पहले ही रुष्ट होने का संदेह, अर्थात तुम्हारे विचारों में। नहीं नहीं महारानी जी, क्षमा कीजिए, मैं तो बस अपनी राजकुमारी के विषय में कुछ पूछना चाहती थी। मेरी पुत्री शर्मिष्ठा के विषय में? अच्छा बताओ, मन के उद्गार व्यक्त करो। अपनी राजकुमारी जी का पालन पोषण तो राज के ठाट बाट के साथ हो रहा है, फिर वो अधिक समय गुरुदेव शुक्राचार्य के आश्रम देवयानी के साथ क्यों व्यतीत करती है? माया, तुम्हारे विचारों में हमें ईर्ष्या की गंध आ रही। क्षमा महारानी जी, क्षमा। देवयानी और शर्मिष्ठा दो शरीर एक प्राण जैसी ही जुड़वा बहनों की भांति हैं। दिव्यानी की संगत में मेरी पुत्री शर्मिष्ठा भी आदर्श पुत्री का उदाहरण बनेगी। इनकी मित्रता युगों युगों तक स्मृति पर जीवित रहेगी। महारानी की जय हो। और मृदुला, क्या समाचार लाई हो? महारानी जी, महाराज राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ महल में पधार रहे हैं। अरे वाह, आ गए तो लोग। दिव्यानी की मित्रता, उसका स्नेह निश्चित है, और गुरनी का उसकी सेवा तो बिल्कुल निस्वार्थ है। गुरनी का बहुत नई कहानियाँ सुनाकर मेरा मनोरंजन करती रहती है। और देवयानी? देवयानी की तो हर बात रोचक होती है और शिक्षा प्रद भी। अच्छा, देवयानी को वेदों की ऋचाएं भी कंठस्थ है और बहुत सी औषधों की जानकारी भी है। तो देवयानी के गुणों का आपको भी लाभ मिल रहा है या नहीं? हाँ पिताश्री, चाहे ज्ञान हो या भोजन, देवयानी खुले हृदय से वितरित करके खाने पर ही विश्वास रखती है। और देवयानी तो। अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ हो क्यों? कोई विशेष कार्य है पत्रलेखा? आप अपनी सहेली पत्रलेखा के साथ जाकर उद्यान में खेलो, तब तक हम तनिक विश्राम कर लेते हैं। ठीक है पिताश्री, मैं आपके विश्राम में बाधा नहीं बनूंगी। धन्यवाद पुत्री। चलो पत्रलेखा, मैं तुम्हें देवयानी के विषय में एक रोचक बात बताती हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ जलपान ग्रहण करेंगे? नहीं। फलाहार? नहीं। क्या बात है महाराज, भोजन के प्रति आपकी रुचि कम होती जा रही है। महारानी, जब से हमारे जीवन में राजकुमारी शर्मिष्ठा का आगमन हुआ है, पेट भोजन से नहीं हर्ष से भर जाता है। ममता के गौरव ने मेरा स्वास्थ्य भी सदा के लिए ठीक कर दिया, अब मुझे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पुत्री की एक मुस्कान की आवश्यकता होती है। मेरी राजकुमारी है कहाँ? वो अपनी सखी पत्रलेखा के साथ महल के उद्यान में है। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों पर अपना जीवन न्यौछावर कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पुत्री में मित्रता निभाने का गुण जन्मजात है। क्यों नहीं महाराज, आपकी पुत्री है, उसमें गुणों का भंडार तो होगा ही। पुत्री के बहाने हमारी प्रशंसा करने का अवसर आप कभी नहीं छोड़ती है महारानी। पति की सेवा और प्रशंसा पत्नी का धर्म होता है और अधिकार भी। तो आप ही बताइए, हमें भूख लगेगी कैसे? ठीक है महाराज, अब आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, गुरु शुक्राचार्य सम्मान समारोह के लिए तैयार हुए या नहीं? गुरुदेव ने सम्मान समारोह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो फिर समारोह भव्य होगा और दिव्य भी। दशों दिशाएं और समस्त देवी देवता इस समारोह के साक्षी बनेंगे। कैसी विडंबना है महाराज, जिस मृत संजीवनी के प्रयोग से गुरुदेव ने असुरों के जीवन की रक्षा की, उन्हें युद्ध में विजय दिलाई, स्वयं गुरुदेव अपने जीवन का युद्ध हार गए। मृत संजीवनी से अपनी जयंती के प्राण नहीं बचा सके। ये विडंबना नहीं महारानी, वरदान की मर्यादा है जिसका उल्लंघन गुरुदेव ने नहीं। मुझे भय था महाराज, कहीं जयंती के मृत्यु का दुख गुरुदेव के साथ आत्मघात ना कर और वो शिथिल ना हो जाए, पर ईश्वर का प्रेम है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। महारानी जी, आपकी चिंता और आशंका निराधार नहीं थी, परंतु देवयानी ने समस्या का समाधान कर दिया।
हाँ महाराज, आज गुरुदेव के पास एक नहीं दो मृत संजीवनी। दो मृत संजीवनी? वो कैसे महाराज? एक मृत संजीवनी जो गुरुदेव ने भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त की, और दूसरी संजीवनी गुरु पत्नी जयंती ने देवयानी के रूप में गुरुदेव को दी है। देवयानी संजीवनी का वरदान? हाँ महारानी। ये प्रेम में क्यों होता है? देवयानी गुरुदेव के लिए संजीवनी का मंत्र, इसे देखकर गुरुदेव में जीने की लालसा पैदा हुई, जीवन का उद्देश्य मिला। देवयानी गुरु शुक्र के प्राणों को कभी संकट में नहीं पड़ने देगी, वो तो उन्हें सदैव सकारात्मक जीवन के लिए उत्साहित और अग्रसर करती रहती। सचमुच महाराज, देवयानी गुरुदेव के लिए संजीवनी ही है। महाराज, अब आपके पेट में शुदा देवी का आगमन हो गया हो तो मृदुला और माया को आदेश दूं? शुदा देवी तो नहीं, किंतु वासना देवी आपके सौंदर्य मोहिनी का हाथ पकड़कर अवश्य हमारे मन में आ गए। अलर बलर गुड़ पकने दे चिड़िया खेत कचने दे, अलर बलर गुड़ पकने दे चीन चिड़िया उड़ने दे, एक तोता था काना लगे देव का नाना, धूम धड़क धुम धूम धड़क धुम धूम, नदी किनारे जाएंगे घास दूब ले आएंगे, नदी किनारे जाएंगे घास दूब ले आएंगे, गो माता का चारा होगा नहीं कोई बेचारा होगा, दूध से शक्ति दूध से भक्ति बिटिया जी ये लाख बरिस, अरे गिर 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 पिताश्री, एक प्रश्न पूछो। पूछो पुत्री। पिताश्री, ये जीवन मित्रता के लिए ही कम है, तो इतने छोटे से जीवन में लोग शत्रुता कैसे कर लेते हैं? मैं भी शत्रुता के पक्ष में नहीं रहता हूँ। तो फिर देव दानवों में युद्ध क्यों होता है? ये शत्रुता सदा के लिए मित्रता में क्यों नहीं बदल जाती? परिस्थितियाँ, अहंकार और निजी स्वार्थ शत्रुता को जन्म देते हैं। ये निर्णय कौन करता है कि अहंकारी कौन है? बताइए ना पिताश्री, देव दानवों में ही क्यों, शत्रुता तो परिवार में भी होती है। जैसे मेरे प्रपिता महोजी महर्षि भृगु और आप, हमारे भी शत्रुता नहीं है। तो मित्रता भी नहीं है, वो आपसे या आप उनसे रुष्ट क्यों रहते हैं? वो इसलिए देव, अभी तुम्हारी आयु इन सब बातों को समझने के लिए नहीं है। समझना और समझाना आयु पर नहीं बुद्धि पर निर्भर होता है। नाना नानी दादा दादी अन्य हमारे पास क्यों नहीं आते? ठीक यही प्रश्न तभी जयंती ने किया, क्या मेरी देव में मेरी जयंती आई है? किंतु वो तो जन्म देने के बाद भी जीवित, कदाचित विधाता ने उसे विलंब से ही सही मेरी देव में पुनर्स्थापित कर दिया। क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हैं, नहीं है मुझे आपके इन संबंधों की आवश्यकता। अच्छा देव, एक बात बताओ, तुमने शर्मिष्ठा और भूमिका पर क्या तिलिस्म किया है? वो हर समय तुम्हारी ही प्रशंसा करती रहती है। तिलिस्म? ये विद्या आपने मुझे कब सिखाई? मुझे तिलिस्म विलिस्म कुछ नहीं पता। गुर्णिका मेरी पक्की सहेली है,
वो हृदय की भी बहुत अच्छी है, परंतु कभी कभी मूर्खता दिखाने में संकोच नहीं करती। गुणिका ही क्यों, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई के सामने कभी कभी मैं भी मूर्ख बन जाता हूँ।